Hello everyone, welcome to 27th episode of Portfolio Update. If you are new here, then on this channel, I share my aggressive portfolio, which I am trying to take to 1 crore rupees. Also, I share my cryptocurrency portfolio, discuss various topics related to finance, and basically everything that can help you to become just 1% better today in finance. So today in this episode, I will disclose my latest share in the portfolio. I have been trying to buy this share from long time and finally taking the plunge. This is the riddle I shared with you guys some time back so that ki agar aap isko solve kar pate hain, to aapko video aane se pehle hi pata chal sakta hai ki wo kaun sa stock hai jo main next khareedne ja raha hoon. I hope aapne channel ko subscribe karke notification bell daba ke all ke option ko press kar diya hai, otherwise aapke paas mere sare post pahunch nahi pate hain aur aapko ye riddle nahi mil payegi. तो इस रिडल को हमेशा की तरह कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, सो कुडोज टू ऑल दोज पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट इससे पहले कि हम वो नया स्टॉक देखें, प्लीज स्मैश द लाइक बटन एज इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट व्हेन यू डू दैट. एंड टू कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी वेयर आई ओपनली शो यू गाइज माई पोर्टफोलियो, विच बाय द वे नोबडी डज हियर इन इंडिया, बट टू कंटिन्यू डूइंग दिस आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड मोर ऑडियंस, बिकॉज मेकिंग एवरी वीडियो हेयर टेक्स मी लॉन्ग टाइम, एंड टू डू दैट इन बिटवीन माई टू बिजनेसेस, रीडिंग एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट जस्ट गेट्स टू क्रेजी. आई मीन आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट 3 इन द मॉर्निंग, सो आई होप यू विल अप्रिशिएट द चैनल एंड हेल्प मी आउट हियर. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए पहले देखते हैं कि पूरा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है आज. रिसेंटली वी हैव सीन अ पार्ट ऑफ द मार्केट फॉलिंग डाउन एंड इट हैज आल्सो टेकन डाउन माय पोर्टफोलियो टू. इट इज जस्ट द स्पेसिफिक स्टॉक्स दैट हैव फेस्ड द बर्न रिसेंटली. सो टुडे माय पोर्टफोलियो इज एट 30,89,893 रुपीज, दैट इज 66.53% अप. From last portfolio update, it is down 3,48,315 rupees, that is 10.1% down. This fall has been mainly due to price fall in my two biggest holdings, Rain Industries and Edelweiss Financial Services. Together, they make around 50% of this portfolio, so if they go down, portfolio goes down too. That's the part and parcel of having very concentrated bets. You go high very fast and you come down too hard too. So I don't worry about these kind of movements. I have done my research, made the investment, and now they are set free to run with just a little check from my side time to time. After my last video on Asian Granito, the price there also has gone further down. Now the next thing to see in short term here is when the rights issue get out in open and we get to see what promoters are buying of their own shares. Agar aapko aur janna hai Asian Granito ke bare mein, to aap jaake mera last video dekh sakte hain. I have explained everything there. All right, तो अब हम आते हैं मेरे लेटेस्ट स्टॉक पे जिसका नाम है Lumax Industries. अगर आप टॉप पे देखेंगे पोर्टफोलियो के, तो आपको दिखेगा स्टॉक Lumax Industries का. तो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अभी खरीदे हैं सिर्फ 24 शेयर्स इस कंपनी के एट द प्राइस ऑफ 1,528 रुपीज. टोटल रुपए अभी मैंने इसमें लगाए हैं ऑलमोस्ट 36,000 रुपीज, जिनकी अभी वैल्यू है 35,000 रुपीज. इस टाइम ये 5.16% डाउन है मेरे बाइंग प्राइस से. होपफुली ये और नीचे गिरता रहेगा, सो आई कैन कीप बाइंग इट मोर एंड मोर. ये जानने के लिए कि मैं इसमें कितने रुपए लगाने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखेगा, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1945 में और इसके फाउंडर हैं लेट एस सी जैन. इनकी स्टार्टिंग ट्रेडिंग बिजनेस से हुई थी, बट नाउ दे आर फुल कैपेबिलिटी प्रोवाइडर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ऑटोमेटिव लाइटिंग सॉल्यूशंस फॉर फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, केटरिंग टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट्स. बेसिकली आपके ऑटोमोबाइल्स के लाइटिंग सिस्टम और सॉल्यूशंस के सेक्टर में काम करते हैं ये, जैसे कि आपके हेड लैंप्स, टेल लैंप्स, ऑक्सिलरी लैंप्स एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज. तो जब भी आप किसी भी व्हीकल को देखते हैं, तो उसकी लाइटिंग के प्रोडक्ट ये कंपनी ही बनाती है. तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स के लिए. बट नाउ द गुड पार्ट इज दैट इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन दीज लाइटिंग प्रोडक्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग जस्ट बोरिंग नेसेसरी यूटिलिटी टू स्टाइलिश मॉडलिंग एंड डिजाइन, जिससे कि अब ये सिर्फ इंजीनियरिंग काम ही नहीं करते हैं, बट ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन डिजाइनिंग टीम. दिस मेक्स द इंडस्ट्री मोर कॉम्प्लेक्स एंड मार्केट लीडर ऑलवेज गेट एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन व्हेन इंडस्ट्री मूव्स ऑन टू सम काइंड ऑफ अ न्यू pathway. And Lumax Industries own around 60% of this lighting industry. And in the current times, with all these pandemic and lockdown and the scarce of financial help from banks to small players, Lumax will surely eat up more of this industry's pie.
आजकल व्हीकल्स को ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने इन लाइटिंग कंपनीज के साथ कॉन्सेप्ट स्टेज से ही काम करना शुरू कर दिया है एज अ टीम, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देम डिजाइंस एंड ऑर्डरिंग 10,000 पीसेस ऑफ इट। अब जब हम बात कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी की और कॉम्पिटिटर्स को वर्ल्ड वाइड बीट करने की, तो हमें इनकी पार्टनरशिप को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेट पार्टनरशिप्स आपकी वीकनेसेस या प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करती है। जैसे कि आप रिलायंस के केस में देख सकते हैं कि कैसे ऑयल एंड पेट्रोलियम बिजनेस के लिए वो अरामको को पार्टनर बना रहे हैं, और जियो के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनीज को। दिस हेल्प्स इन बीटिंग द कॉम्पिटिशन बाय कोलैबोरेटिंग विद द बेस्ट नॉलेजेबल कंपनी इन दैट सेक्टर। एंड लूमेक्स इंडस्ट्रीज हैज डन द सेम बाय हैविंग टेक्निकल कोलैबोरेशन विद ग्लोबल ऑटोमेटिव लाइटिंग लीडर स्टेनली इलेक्ट्रिक, विच बाय द वे होल्ड्स 35.77% इक्विटी स्टेक इन द कंपनी। This partnership has given Lumix a strong technological footing, apart from enabling it to garner business from the Japanese original equipment makers too. The company has been a preferred supplier for several models of theirs. So apart from having its own established design and development team, the company can also procure latest technology from Stanley Electric, which has some really cutting edge technology for automotive lights. और ये इनको बहुत help करता है constantly changing technology में, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ एलईडी लाइट्स। नाउअडेज एग्रेसिव अडॉप्शन ऑफ एलईडी बाय ऑटोमोबाइल मेकर्स ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू ऑटो लाइटिंग सप्लायर्स लाइक लूमेक्स टू एक्सपैंड इट्स कस्टमर बेस, एज एलईडी रिक्वायर्स कंप्लीटली न्यू एक्सपर्टीज इन द ऑप्टिकल डिजाइन टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम एलईडी। तो अगर फ्यूचर में भी कभी ये इंडस्ट्री किसी नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होती है, तो लूमेक्स को ना सिर्फ अपनी आरएनडी का सपोर्ट रहेगा, बट ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द सेम सेक्टर। ओके, तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट बाइंग में बताया था, जो कि फाइन ऑर्गेनिक्स था, कि अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, SDFC, मारुति, टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन, तो मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जो कि रेगुलर सप्लायर हो इन बड़ी कंपनीज की, सो दैट दीज बिग प्लेयर्स कैन मेक देयर फाइनल प्रोडक्ट्स। इससे जब भी मारुति और मार्केट शेयर गेन करेगी या नॉर्मली कस्टमर बेस बढ़ेगा विद टाइम, तो इनके सप्लायर्स का भी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट द मेन थिंग इन दिस गेम इज दैट यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन फर्स्ट और सेकेंड रैंक सप्लायर ओनली, नथिंग बिलो दैट, बिकॉज समटाइम्स दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस बिकम वेरी कट थ्रोट मार्जिन बेस्ड एंड स्मॉल प्लेयर्स गेट चोक्ड। लूमेक्स इंडस्ट्रीज इंजॉय पेट्रोनेज ऑफ ऑल मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज, इट्स टॉप क्लाइंट्स मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा कार्स, होंडा टू व्हीलर्स, टाटा मोटर्स एंड यामाहा अकाउंट फॉर ओवर 75% ऑफ रेवेन्यूज, विद मारुति अलोन अकाउंटिंग फॉर अराउंड 35% ऑफ रेवेन्यूज। इन द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री, वाइल इट हैज बीन सप्लाइंग फॉर मोस्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ मारुति, इट ऑल्सो सप्लाइज फॉर मॉडल्स लाइक होंडा सिटी, जैज, अमेज, ब्रायो, जेस्ट, इटियोस, इटियोस लाइवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सुमो विक्टा, सफारी एक्सेट्रा। इन द लग्जरी कार मार्केट, लूमेक्स हैज बीन सप्लाइंग फॉर सम मॉडल्स ऑफ बेंटले, ऑडी एंड जगुआर लैंड रोवर। और एक और चीज है इस बिजनेस की विच आई लाइक अ लॉट, इट इज लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनीज यहाँ पे प्रिफर करती हैं मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, ताकि उनकी सप्लाई कॉन्स्टेंट रहे, एंड ऑफकोर्स लूमेक्स इसका पूरा प्रॉफिट उठा रहे हैं। आई लाइक दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस वेयर यू आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स टू बिगेस्ट कंपनीज एंड एंजॉय लॉन्ग टर्म गारंटीड रेवेन्यू फ्रॉम देम। दिस गिव्स श्योरिटी टू योर इन्वेस्टर्स दैट ओके, दिस मच मनी इज श्योरली कमिंग इन, लेट्स फाइंड आउट वॉट मोर वी कैन सेल हियर। सो द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी इज नियर 1300 करोर्स राइट नाउ। लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी हैज डन 1451 करोर्स ऑफ रेवेन्यू। टोटल लाइबिलिटी इज अराउंड 900 करोर्स, बुक वैल्यू इज एट 492 रुपीज, एंड यू कैन सी हियर इट हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एवरी ईयर। नेट कैश फ्लो हैज नॉट बीन वेरी गुड ड्यू टू डेट पेमेंट्स एंड एक्सपेंशन प्रोसेस, बट इन कमिंग टाइम्स विद द कॉन्स्टेंट कैश फ्लो फ्रॉम द बिग कंपनीज दिस विल इम्प्रूव टू। Over the time, the company has substantially increased its manufacturing capacity and R&D capabilities, and also improved its contract payment negotiations. Current PE ratio is 33.90 and dividend yield stands at 0.48%. Okay, so for a change, promoters here own 75% of the company. I hope ki baki promoters bhi ye dekhenge aur khud ke shares khareedenge. Of course, Asian Ganito, I'm talking about you here. And surprisingly, there is also no pledging of shares here. Lumix Industries में promoters के बाद public own करती है 23.4% और institutional holding है सिर्फ 1% की।
So as mentioned before, I'm going to be putting 1 to 2 lakh rupees in Lumax Industries, and if by chance the price goes way too down, then maybe 3 lakhs in total. Of course, that will happen over some time and not immediately. But for me, this is one of those compounders who will keep growing steady and consistently. Rise in economy, rise in basic salary of people, everything is going to be helping out this company in gaining more cash flow. Oh, gaining more reminds me that do you guys know our little channel is in news currently? Yeah, live news and all that shit. I did not even know famous people are watching my channel all the time. Like, I had no idea that this could ever happen. I was just watching the TV just right now and then suddenly saw this US TV channel interviewing several people about my channel. And one of those were this senator, and it was all pretty awesome. Yeah, she actually said she is smashing the like button all the time. I know, you must be thinking I'm lying, but why would I? After having billions of views on the channel, I don't have to do this kind of bullshit. So yeah, smash the like button and help the channel in spreading to other planets and other galaxies. Because seriously, ab Earth pe to sabne dekh hi liya ye channel, so we don't have to worry about that. So smash the like button. नहीं वो वीडियो में कोई इश्यू नहीं है, बट मैं भी बस ऐसे ही सोच रहा था कि कब तक रोता रहूँगा यहाँ पे कि पैसे ही नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि बस इतनी सी तो प्रॉब्लम है, आगे जाके सॉल्व हो जाएगी मे बी, राइट। तो मेरी सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है, बिजनेस एकदम बंद है और एम्प्लॉयज़ की सैलरी लगातार जा रही है, तो मतलब ठीक ही है। घर का रेंट देना है, बट वो बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, जस्ट लाइक 95% पैसे कम पड़ रहे हैं। फिर देखो थोड़ी सी ग्रोसरी भी लेनी होती है, तो वो तो आप अपने सामने वाले शर्मा अंकल की डेली अमेज़न डिलीवरी में से भी थोड़े से निकाल सकते हो, राइट। मतलब एक आलू और दो टमाटर के लिए वो क्या मेरा मर्डर ही कर देंगे। कैश इन हैंड 0% ऑफ द टोटल नेटवर्थ। ओके, सो रिसेंटली वी हैव सीन प्राइसेस गोइंग अप एंड डाउन लाइक जायंट सीसॉ इन क्रिप्टोस। सम क्रिप्टो वेंट अप, सम वेंट डाउन, एंड इट वॉज अ टोटल वियर्ड गेम गोइंग ऑन हियर। My main crypto portfolio is at 29,19,000 rupees, but it has earned me a great deal of interest, about which I will talk in next video maybe. So in recent times, I haven't bought anything apart from, as I told you before, Solana and Kusama. Solana last portfolio update ke baad se kuch 40-50% badh gaya hai, so thank god I got it at cheaper price. Jitne projects wo apne platform pe laate rahenge, utni hi unki value badhti rahegi, so let's see. Till then, I'm very happy with my top level allocation in here. To me right now, it looks like Ethereum is all set to roar, like I said in last update, and I currently own 4.5 Ethereums, which I will take to 5 if and when the price comes down below 1.5 lakhs once again. Last time I bought half Ethereum at around 1.2 lakhs, so that was a nice purchase. So right now I feel that following Ethereum, Bitcoin will also go for crazy run next year. With Lightning update being here and the institutions showing fair interest in Bitcoin and El Salvador becoming the first country to make Bitcoin the legal tender, I think Bitcoin is all set to make its comeback to $60,000 mark once again. So keeping that in mind, I'm trying to get into more Bitcoins, maybe if the price goes down few more $1,000 from here. Right now I own 0.34 Bitcoin only, with valuation reaching near 12 lakh rupees. I would love it if I can make it half Bitcoin from here, but I want cheaper price for that. As you can see, I bought Bitcoin and Ethereum long time back when they were too cheap, hence the hesitation now to buy them at such huge price right now. But this is where I will be putting my cash next in cryptos, as it will keep giving me interest in the meanwhile, so of course that helps in increasing my cash flow of my passive income. Also right now I'm keeping an eye on Polkadot's parachain slot auction, which will happen anytime soon. Other cryptos which are in my radar are PaxG and Engine. If you are new to crypto, then you can start your journey by downloading the Vault app, jiska link niche maine description mein dala hua hai. App ko download kariye aur apne documents ki picture wahan pe laga ke aap apni crypto journey start kar sakte hain. But always remember, cryptos are risky, so only use your gambling money there, like I do here. और इस जर्नी में हम वैसे भी साथ में हैं, तो आप लगातार देख सकते हैं कि मैं क्रिप्टो में क्या कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग भी अपनी आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं वो कॉइन तब। दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड A1. आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन सी माई वीडियो एज सून एज आई पोस्ट इट। सी यू नेक्स्ट टाइम, माई मनी यूनिवर्स।